पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश और एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश का साथी फरार हो गया, जिसकी कवरिंग जारी है। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि गुन्नौर थाना पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार दो बदमाश एक बाइक को लूट कर भाग रहे हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने एसपी यमुना प्रसाद के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को संगीन बाइक सवार आते दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक को रोकने का इशारा किया, जिस पर बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने बाइक सवारों की घेराबंदी शुरू कर दी। खुद को पुलिस से घिरता देख बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जबकि बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। वही गिरफ्तार बदमाश बबलू का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी कवरिंग की जा रही है। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश बबलू पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं घायल बदमाश बबलू और पुलिसकर्मी अजय को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। जनपद संभल के थाना क्षेत्र गुन्नौर में एक पुलिस इंगेजमेंट हो गई है, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ है। ये शाम को एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी, जिसकी घेराबंदी की गई थी। पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चला गया था। इस दौरान एक अपराधी की सूचना मिली कि वो जुनावी की तरफ भाग रहा है, तो उसकी घेराबंदी दो तीन थानों की फोर्स ने किया, जिसमें उसने एक पुलिस पर फायर किया। हमारा एक सिपाही घायल हुआ है। इसी दौरान पुलिस इंगेजमेंट में एक अपराधी भी घायल हुआ है। दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जानकारी में अभी आया है कि ये लगभग एक दर्जन से ज़्यादा लूट और चोरी, नकबजनी आदि के मुकदमे इस पर दर्ज हैं, तो इसका गंभीर आपराधिक इतिहास है। नोटोरियस अपराधी था ये, और अभी घायल हुआ है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका नाम प्रकाश मा है क्या? हाँ, अभी पता चला है कि ये बबलू नाम है इसका, बबलू अपराधी है ये। तो सर, क्या कोई फरार भी हुआ है क्या? हाँ, इसका एक साथी फरार है मौके से। एक साथी इसका फरार हुआ, जिसकी ही कॉम्बिंग चल रही है। पूरे क्षेत्र में अभी कॉम्बिंग चल रही है। तीन चार थानों की फोर्स और हमारे सीओ गुन्नौर और ये इंस्पेक्टर गुन्नौर, धनारी इंस्पेक्टर, ये सब लगे हुए हैं। क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है। इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है।